के अलग अलग तीन हिस्सों की तस्वीरें हैं, अकोला, लखनऊ और बाजपत, जहां नफरत, साजिश और जहर बोने की खेती बदस्तूर जारी है। कहीं गणपति विसर्जन यात्रा पर पत्थरबाजी हुई, हिंदुओं की आस्था पर फिर आघात किया गया है। कोट शहर के हद में शाम को 4:15 के आसपास नंदीपेट के एरिया में एक गणपति मंडल जो कि मुख्य प्रोसेशन में सम्मिलित होने के लिए निकल रहा था, उस पर पत्थरबाजी की घटना हुई। इसमें गुना दाखिल कर दिया गया है और 60 से ज्यादा आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं। अकोट में फिलहाल शांति का माहौल है। तो कहीं जय फिलिस्तीन के नारों के साथ हथियार की नुमाइश की गई। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ भी आपत्तिजनक नारेबाजी की गई। इधर एक मुस्लिम युवक के पाकिस्तानी प्रेम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां अबरार नाम का शख्स पाकिस्तान समर्थित नारे लगाकर अपनी देश विरोधी मानसिकता जाहिर कर रहा है। देश के यही सिर्फ तीन शहर नहीं हैं जहां से सनातन पर आक्रमण, देश के खिलाफ विरोधी सोच देखने को मिल रही है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक हिंदू विरोधी और देश विरोधी साजिशें अपना काम कर रही हैं। जेहादी मानसिकता को और भी जहरीला करने के लिए खाद पानी देने का काम किया जा रहा है। जेहादी सोच का जाल कई तरह की खौफनाक शक्ल के तौर पर सामने आ रहा है, जैसे शहर शहर हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी, कई शहरों से इस्लामिक देश जय फिलिस्तीन की नारेबाजी की तस्वीरें और आतंक के सबसे बड़े आका पाकिस्तान के लिए प्रेम के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी हो रही है। सवाल यही है कि आखिर क्यों और किसके मन में हिंदुओं और देश के लिए इतनी नफरत पनप रही है? देश में पनपती इस नफरती साजिश का आका कौन है? ये हिंदू विरोधी और देश विरोधी ताकतें किसके इशारे पर काम कर रही हैं? कहां से माहौल खराब करने का ऑर्डर मिल रहा है और देश के इन दुश्मनों का ठिकाना कैसे डिकोड होगा, ताकि इनकी नफरत, जहर और साजिशों का पूरा पूरा हिसाब किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जहां शोभा यात्राओं पर इस तरह से पथराव किया गया है, फिलिस्तीन के झंडे देखे गए हैं अलग अलग जगहों पर, जो हमने आपको रिपोर्ट में भी दिखाया, और उसको लेकर संत समाज में गहरी नाराजगी है। वहीं मुस्लिम धर्म गुरु से जब हमने बात करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, तो उनका यह कहना है कि ये दरअसल बदनाम करने की कोशिश है। सुनिए जरा। राजनीतिक दलें मजहबियों को उकसाने और हिंदुओं को बांटने में लगी हैं, मजहबियों के एकजुट करने में और हिंदुओं को जातियों के आधार पर विभाजित करने में, ताकि उनको राजनीतिक फायदा हो पाए। हिंदू इस बात को नहीं समझता है, मजहबी तो जिहाद फैला ही रहे हैं। मजहबियों के मंसूबे अस्पष्ट हैं। कैसे मजहबी इस देश को इस्लामिक बैनर के नीचे ले आए? उनके आतंकी आका उनके साथ जुड़े हुए हैं। गणेश उत्सव का पर्व हो, चाहे बहरामोत्सव का पर्व हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण की जन्म, इन सभी पर पत्थरबाजी निरंतर और धड़ल्ले से की जा रही है, बिना किसी डर, बिना किसी के भय के। मजहबियों के मंसूबे अस्पष्ट हैं। हिंदुओं को अब एकजुटता का परिचय देना होगा। देखिए, 2014 से ये घटना शुरू हुई है, उसके पहले नहीं होती थी। रामनवमी के जुलूस पहले भी निकलते थे, गणपति विसर्जन पहले भी होता था। कभी आपने सुना? नहीं सुना। 2014 के बाद ऐसा हो रहा है। ये इसलिए है कि हिंदू वोटों को साधना है, हिंदू तुष्टिकरण करना है। जब तक मुसलमान को बदनाम नहीं करेंगे, जब तक मुसलमान को आतंकवादी नहीं कहेंगे, तो उस वक्त तक हिंदू वोट नहीं आएगा साथ में। टोपी उड़ाकर कुछ लोगों के हाथों में पत्थर दे दिए जाते हैं ताकि मुसलमान बदनाम हो। मुसलमान कोई पत्थर नहीं मारता, ये 101% मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मुसलमान कोई पत्थर नहीं मारता। अगर कोई होगा भी एक आध, तो वो भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होगा या राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का आदमी होगा। कट्टरता की तस्वीरें सामने आ रही है, तो क्या ये दंगा भड़काने की कोशिश है? हम क्यों ऐसा कह रहे हैं? जरा एक और तस्वीर दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, ये देखिए। ये दरअसल किस तरह की नारेबाजी हो रही है, एक ही सजा सरतन से जुदा। जी हाँ, इस तरह की नारेबाजी खुलेआम सड़कों पर की जा रही है। क्या ये भड़काने की कोशिश नहीं है? सुनिए जरा एक बार, सुनिए। Thank you.
तो सवाल यही खड़े होते हैं और इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि बार बार ये भड़काने की कोशिश की जा रही है। जो माहौल बनाया जा रहा है वो क्यों बनाया जा रहा है, ये प्रश्न है बहुत बड़ा, क्योंकि देश में कट्टरता की क्लास आखिर कौन चला रहा है, क्योंकि बिना क्लास हुए एक जैसी तस्वीर तो नहीं आ सकती। सवाल नंबर दो, बार बार हिंदू आस्था पर आघात, क्या साजिश है, क्या कोशिश है यहां दंगा भड़काने की या माहौल खराब करने की। सवाल नंबर तीन, क्या देश के शहरों में दंगा भड़काने की ये साजिश है, क्या ये आग लगाई जा रही है जो बड़ा रूप ले ले। सवाल नंबर चार, देश में रहकर जय फिलिस्तीन के नारे क्यों, जय हिंदुस्तान बोल देते लेकिन यहां पर फिलिस्तीन की बात क्यों। सवाल नंबर पांच, पाक समर्थित नारों की आखिर ट्रेनिंग कौन दे रहा है, कौन दिमाग में इस तरह की बातें भर रहा है, नफरत भर रहा है, ये प्रश्न है अपने आप में बड़ा। सवाल नंबर छह, नफरती पाठशाला का हेडमास्टर कौन है, क्योंकि तस्वीरें एक जैसी अलग अलग जगहों से आना इत्तफाक नहीं, ये एक जैसी बात होना ये स्वाभाविक चीज नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है कि कहीं से सिखाया पढ़ाया जा रहा है, कौन सिखा पढ़ा रहा है। सवाल नंबर सात, देश विरोधी ताकतों को शह कौन दे रहा है, कौन ऐसा चाहता है कि भारत में जो शांति है वो भंग हो जाए। सवाल नंबर आठ, देश में माहौल बिगाड़ने वालों का इलाज कब होगा, क्योंकि अब इलाज की जरूरत हो गई ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है वो अपने आप में प्रश्न कर रहा है, और इसलिए हम ये सवाल इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि तस्वीरें ऐसी ही सामने आ रही है साक्ष्यों के साथ। जरा तस्वीर आपको सबसे पहले दिखा देते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि प्रश्न क्यों खड़े हो रहे हैं। देखिए जरा अकोला की जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ मस्जिद से पत्थरबाजी, तस्वीर आपने देखा मदरसा बगल में लोग निकल कर आते हैं, दनादन पत्थर बरसाते हैं विसर्जन यात्रा पर। बुलढाणा की पुरानी तस्वीरें, दो दिन पुरानी महाराष्ट्र की, लेकिन देखिए यहाँ पर भी छतों से विसर्जन यात्रा पर पत्थरबाजी हुई और ऐसा लग रहा है कि तैयारी पहले से थी, बोरे में भर के छतों पर पत्थर रखे गए थे और जानकारी तो ये भी है कि आधे घंटे तक पत्थर बरसाए गए। तो ये आखिर इंतजाम किसने किया, तैयारी किसने की, जानकारी किसने दी कि जब यात्रा निकलेगी तब ये पत्थरबाजी करनी है, और ये किस तरह की मानसिकता है ये अपने आप में सवाल खड़े करता है, क्योंकि सबूत लगातार मिलते दिखाई दे रहे हैं। इस पर सियासत भी खूब हो रही है लेकिन पत्थरबाजी को लेकर एक्शन की जब बात होती है तो सियासतदान कुछ नहीं कहते। सुनिए जरा, पत्थरबाजी जो है वो एक बहुत ही सुनियोजित साजिश का हिस्सा है कि देश के सौहार्द को, देश की शांति को और देश के जो हमारे पूरी के पूरे संस्कार है उसको तहस नहस करो, और जो लोग ये कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़े से कड़े कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसे लोग जो लोग कि देश के सौहार्द को तार तार करने की षड्यंत्र साजिशों से काम कर रहे हैं वो सफल न हो पाए। यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान प्रेम दिखाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ ये भी देखने वाली बात है कि जिन्ना की कब्र पे चादर चढ़ाने वालों को भारत रत्न मौजूदा सरकार ही दे रही है तो कहीं ना कहीं वो भी तो एक गलत संदेश है। एक तरफ अपने आयोजनों में फिलिस्तीन का नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और अफगानिस्तान अपने जिहादियों के झंडे, और दूसरी तरफ हमारे भी आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश और पर हमले करने की, आगजनी करने की, हिंसा करने की कोशिश की गई, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस प्रशासन शासन को इस विषय में गंभीरता से कार्रवाई करनी पड़ेगी, अन्यथा तो हिंदू समाज के धैर्य की प्रतीक्षा और परीक्षा न ली जाए।